अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सी सी एस के कोर्स फ्रॉम उर्दू आई टी अकेडमी। दिस इज लेक्चर नंबर 18 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेन 13 जो कि है सिक्योरिटी एज ए सर्विस यानी कि सिकैक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेक्चर 18 हम डिस्कस करेंगे सिकैक्स क्या है, बेनिफिट एंड कंसर्न ऑफ सिकैक्स यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिकैक्स और मेजर कैटेगरीज ऑफ सिकैक्स ऑफरिंग्स इन द मार्केट यानी कि मेजर कैटेगरीज जो हैं सिकैक्स की जो मार्केट में अभी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात सिकैक्स है क्या। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहता है कि सिकैक्स इज ए क्लाउड बेस्ड मेथड ऑफ आउटसोर्सिंग योर साइबर सिक्योरिटी। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी सर्विसेज नाउडे लाइक एंड पॉइंट सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, सिम सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो सिक्योरिटी एज ए सर्विस जो है वो एक तरीके का सैस है यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन है। जो काम जो सिक्योरिटी के डिवाइसेस आप लगाते थे अपने सिस्टम्स में, जो सिक्योरिटी पर आपका खर्चा होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर की शक्ल में, वो अब आ गया है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे। जैसे हमने डिस्कस किया क्लाउड में आप क्या कर रहे हैं, आप ओपेक्स दे रहे हैं यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट दे रहे हैं। आपको एक सर्वर चाहिए, आपने सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसको बोला मुझे सर्वर चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन का, उसने आपको एक EC2 मशीन या एक VM आपको क्रिएट करके दे दिया एंड यू आर गुड टू गो। यू डू नॉट नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए आपको। आपको 2 घंटे के लिए चाहिए, आपको 2 दिन के लिए चाहिए, आपको 2 महीने के लिए चाहिए सर्वर। आपने बस 2 महीने का पैसा देना, 2 घंटे का, 2 साल का, जो भी जितने समय के लिए जितने वक्त के लिए आप ले रहे हैं आपको उतना ही पैसा देना है। वैसे ही है सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी का की जो सर्विस आप ले रहे हैं आपको उतने देर के लिए पैसा देना है, उतना ही पैसा देना है, उतना ही यूजर्स का पैसा देना है, उतना ही लाइसेंस का पैसा देना है। आपको पूरा एक्सपेंस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको फायरवॉल खरीदना है तो फायरवॉल के लिए पूरा नेटवर्क लगाओ, फायरवॉल का हार्डवेयर खरीदो, 1 ईयर लाइसेंस और 3 ईयर लाइसेंस सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फायरवॉल चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है आपका सिकैक्स का जो प्रोवाइडर है उसको आप बोलेंगे, आपको जितने टाइम के लिए चाहिए वो आपको पे एज यू गो की तरह आपको बना के दे देगा एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, बेनिफिट्स एंड कंसर्न ऑफ सिकैक्स। पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स। पोटेंशियल बेनिफिट्स वही है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या है, स्केलेबल, ऑपरेशनल कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह, उसके अलावा पे एज यू गो का मॉडल। ठीक है, तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं क्लाउड के वही बेनिफिट यहाँ भी आ जाते हैं। स्टाफिंग एंड एक्सपर्टीज का बेनिफिट जो क्लाउड के साथ आता है, सपोज कीजिए आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको सर्वर VMs मैनेज करने हैं तो आपको प्रोफेशनल्स आपको हायर करने पड़ेंगे, IT प्रोफेशनल्स जो उनको मैनेज करें। यही अगर आप क्लाउड के साथ जाते हैं तो आपको कोई IT प्रोफेशनल हायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम एक्सपर्टीज पर आपका काम हो जाता है। उसी तरीके से सिक्योरिटी का तो मार्केट और भी टाइट चल रहा है, आपको पता ही है कि मार्केट में सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की काफ़ी क्रंच है, स्किल्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड प्रोफेशनल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में किसी सपोज कर लीजिए कोई फार्मा कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए उसका जो मेन काम वो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका मेन काम फार्मा है, उसका मेन काम IT नहीं है। अब वो IT रिसोर्स को, सिक्योरिटी के रिसोर्स को, अच्छे रिसोर्स को हायर करे और उनसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करवाए, सिक्योरिटी मैनेज करवाए, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत है, खासकर तब जबकि ऑलरेडी करंट चल रहा है स्किल का। तो ऐसे केस में सिकैक्स यानी कि सिक्योरिटी एज ए सर्विस लेना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो स्किल्ड होता है, वो उसके पास स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो आप जो सिक्योरिटीज को मैनेज कर रहे होते हैं पीछे, और आपको बस उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है एंड यू आर गुड टू गो। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बहुत अच्छा बेनिफिट है। वो क्या है कि सपोज कीजिए आप के पास जो थ्रेट इंटेलिजेंस है, वल्नरेबिलिटी इंटेलिजेंस है जो मार्केट में, वो आपके पास जनरली आपके सेक्टर से रिलेटेड ही होते हैं। सपोज कीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के
जो डिवाइसेस हैं वो वल्नरेबिलिटीज के थ्रू एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको उन्हीं का नॉलेज होता है। लेकिन जो आपके जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डील कर रहा होता है, वो डिफरेंट सेक्टर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो हॉस्पिटैलिटी को भी कर रहा होता है, वो हेल्थ केयर को भी कर रहा होता है, एजुकेशन को कर रहा होता है, रिटेल को कर रहा होता है, एविएशन को कर रहा होता है, वो सबको कर रहा होता है। तो उसके पास इंटेलिजेंस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है, उसके पास हर सेक्टर्स के और मार्केट के न्यू न्यू ट्रेंड्स के पास होते हैं जो वो अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराता है। तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कस्टमर्स को, यानी कि सिकैक्स के कस्टमर्स को, ठीक है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी, डिप्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि क्लाउड के साथ आती है, यानी क्लाउड में डिप्लॉय करना कितना आसान है। आपको अपने फॉरन मशीन स्पिन किया, डिप्लॉय किया एंड यू आर रेडी टू गो। तो वो ही यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको एक फायरवॉल चाहिए, बहुत आसान है, आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोला, उसने एक फायरवॉल डिप्लॉय करके दे दिया। आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि भाई मुझे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एज़्योर एडी का सब्सक्रिप्शन दे दिया आपको फौरन। यही एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपको डिप्लॉय करनी पड़े तो आप सोचिए कितना कितना बड़ा सर्कस है आपके लिए। आप पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सर्वर लगाएंगे, फिर आप उस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लाइसेंस लेंगे, वो डिप्लॉय करेंगे, फिर एक्टिव डायरेक्टरी के कैल आते हैं, यानी कि पर यूजर के कैल लेना होता है आपको, वो परचेस करना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे हैं, इतने सारे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप गए, आपने माइक्रोसॉफ्ट को बोला, उसने फॉर द टाइम बींग जितने टाइम लिए चाहिए, 6 महीने, साल भर, जितने दिनों के लिए चाहिए आपको, उसने आपको एक सब्सक्रिप्शन दे दिया, उसका एक नॉमिनल कॉस्ट ले लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। उसके अलावा इंसुलेशन ऑफ क्लाइंट, इंसुलेशन ऑफ क्लाइंट जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वो कैसे आता है, क्योंकि जब आप यूज कर रहे होते हैं ना, मतलब आप आपका जो पेरीमीटर सिक्योरिटी होता है और डिफेंस ऑन इन डेप्थ का और लेयर सिक्योरिटी का जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यही जब आप जाते हैं इनके साथ, स्कैक्स के साथ, तो उनका क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी ईमेल सर्विसेज है, तो आपकी ईमेल सर्विसेज अगर आप किसी का मतलब किसी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप ले रहे हैं सिक्योरिटी की सर्विस, तो उस केस में बहुत आसान हो जाता है उनका, मतलब आपको जो इंसुलेशन मिलता है वो मिलता है कि सपोज कर लीजिए कि आपको जो ईमेल सर्विस है उसके आगे उनका स्पैम फिल्टर लगा हुआ है, यानी ईमेल सर्विस, ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइडर का स्पैम फिल्टर है, तो आपके पास जो स्पैम मेल्स आने हैं वो वहीं पे कंटेन हो जाते हैं उसके स्पैम फिल्टर पे ही, ठीक है। उसी तरीके से क्लाउड बेस्ड वैफ है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आपने वैफ की जो सर्विस ले रखी है, वो जो अटैक्स हो रहे हैं, होने वाले हैं आपके एप्लीकेशन पर, वो फायरवॉल पर ही कंटेन कर लिए जाते हैं, आपके एप्लीकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्केलिंग कॉस्ट वो बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, स्केल करना बहुत आसान है, कॉस्ट भी आपको नॉमिनल देना पड़ता है, पूरा ऑपरेशन कॉस्ट नहीं लगता है, पे एज यू गो का सिस्टम है। ये तो हो गया बेनिफिट्स, अब बात करते हैं कंसर्न्स की। पोटेंशियल कंसर्न्स क्या है, लैक ऑफ विजिबिलिटी, ऑब्वियसली लैक ऑफ विजिबिलिटी हमने डिस्कस किया था सैस के केस में भी। सो सैस के केस में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है, उसका एक्सेस, उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट, तो आपको उसकी विजिबिलिटी नहीं हो रही है पीछे क्या है, ठीक है। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जो सैस के साथ आती है वही सिकैक्स के साथ आती है। रेगुलेशन डिफरेंसेस बहुत बड़ा कंसर्न हो जाती है आज की डेट में, मतलब हर कंट्री के पास अपने अलग अलग रेगुलेशंस हैं, जो भी उसके कमर्शियल रेगुलेशन से लेकर डेटा प्राइवेसी के रेगुलेशंस हैं, लॉट्स ऑफ रेगुलेशंस आर देयर, और हर कंट्री के अपने अपने, हर कंट्री अपना अलग डेटा प्राइवेसी लॉ लेके आ रहा है। तो ऐसे केस में सिकैक्स, यानी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है सिकैक्स का, उसका सारे रेगुलेशन के साथ, सारे कंट्रीज के रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए कोई आपका छोटा वेंडर है, लेकिन ये जो रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है उस, वो जैसे GDPR समझ लीजिए, GDPR है और पीपेडा है आपका, उसका कनाडा का, इंडिया का PDPP है, इंडिया का है DPDP एक्ट है, ठीक है। इस तरह के हर कंट्रीज के अपने एक्ट है, CCPA है आपका USA का,
तो हर कंट्री का जो जो प्राइवेसी है उसको इंप्लीमेंट करने में उसकी कुछ खर्च आते हैं। तो हो सकता है कोई छोटा वेंडर है, अगर उसके कम क्लाइंट्स हैं तो उसके उसके बस का नहीं है। हो सकता है कि उसके वो सारे कंट्री से कंप्लाई नहीं कर रहा हो, उनके रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर रहा हो, कुछ खास ही के कर रहा हो, कुछ खास ही कंट्रीज जहां उसके बिजनेस हैं उनको ही कंप्लाई कर रहा हो। ऐसे केस में अगर कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे मतलब बड़े बड़ी कंट्रीज में ऑपरेट करता है, सपोज कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, या सिस्को हो गया, इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी एज ए सर्विस लेनी है, और क्योंकि उनके हर कंट्रीज में उनके अपना अपनी ऑफिसेज हैं, उनके अपने एम्प्लॉयज हैं, तो अगर कोई ग्लोबल लेवल पर अगर वो सोल्यूशन परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो मसला है कि अगर उसका उनका सर्विस प्रोवाइडर रेगुलेशन सारे कंट्रीज के जहां जहां उनके ऑपरेशन है, अगर उनके रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक कंसर्न हो सकता है उनकी सर्विस लेना। अगर वो उनका सर्विस ऑप्ट करते हैं तो ऐसे केस में रेगुलेशन का डिफरेंस आ जाता है, और ऑब्वियसली जब रेगुलेशन का डिफरेंस आएगा तो की जो हैंडलिंग है वो उस रेगुलेशन के हिसाब से नहीं होगी, तो हैंडलिंग ऑफ रेगुलेटेड डेटा का भी एक कंसर्न है। उसके अलावा डेटा लीकेज, अब अगर आपने जो सिक्योरिटी एज ए सर्विस ले रखी है, अगर उस वेंडर पर उसके सॉल्यूशंस पर अगर कोई अटैक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका डेटा भी उसके साथ है, तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है, आपके डेटा लीकेज के भी चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा चेंजिंग प्रोवाइडर्स, एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर चेंज करना, ये भी एक कंसर्न है, ये भी मतलब कई बार ये कंसर्न हो जाता है, जिसको हमने आपने आप याद कीजिए हमने डिस्कस किया था वेंडर लॉक इन के केस में। वेंडर लॉक इन हो गया, सपोज कर लीजिए आप कोई एक सर्विस यूज कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी की सर्विस, एक फायरवॉल, एक सिक्योर गेटवे, एक ईमेल गेटवे, एनीथिंग, कुछ भी, आप कोई भी अज्यूम कर लीजिए, आप एक सर्विस प्रोवाइडर से माइग्रेट करके दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका पहला वाला सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा हो, उस केस में अगर आपका डेटा माइग्रेट लेके जा पाना वहाँ पॉसिबल नहीं हो, आपको किसी खास फॉर्मेट में डेटा चाहिए नए वाले प्रोवाइडर को, पुराना वाला प्रोवाइडर उस फॉर्मेट में डेटा आपको नहीं देता हो, तो ऐसे केस में आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को के जाने पर या सर्विस प्रोवाइडर चेंज करने पर, जो कि एक तरीके से वेंडर लॉक इन का केस हो जाता है। उसके अलावा माइग्रेशन टू सिकैक्स, सिकैक पे माइग्रेट करना भी आसान नहीं होता। सपोज कर लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सब कुछ ऑन प्रेम है, या मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है और वो चाहती है कि वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करें, और वो ऑन प्रेम का खर्चा नहीं चाहती, वो चाहती है मैं क्लाउड पे जाऊं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उस कंपनी के वो जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे सिस्टम लिगेसी हैं। सपोज कीजिए कि आपके आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आप अभी यूज कर रहे हैं IBM का क्यूरेडार या स्प्लंक ऑन प्रेम, मतलब ऑन ऑन प्रेम में आप ऑन प्रेम जो है प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जहां आपके सारे लिगेसी सिस्टम्स हो गए और या जो भी नए सिस्टम है वो सब कनेक्टेड है, और डेटा लॉग इंजेशन हो रहा है उन सारे डिवाइसेस का आपके सिम में, IBM का क्यूरेडार या स्प्लंक जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप क्लाउड पे जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका लिगेसी क्लाउड, जब क्लाउड में कैसे डेटा इंजेक्शन होगा, एपीआई एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसकी वजह से क्लाउड से कनेक्टिविटी का मामला बन पाता है। तो सपोज कर लीजिए कि आपका जो लिगेसी सिस्टम है वो एपीआई को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप डेटा इंजेक्शन कैसे करेंगे अपने उस लिगेसी सिस्टम का डेटा क्लाउड बेस्ड सिम, जैसे कि सिक्योरोनिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का सेंटिनल हो गया, उसमें कैसे आप डेटा इंजेक्ट करेंगे, वो एक कंसर्न हो जाता है माइग्रेशन के केस में। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल कंसर्न्स है जो हमने डिस्कस किए। उसके अलावा मेजर कैटेगरीज क्या है मार्केट में जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स सिकैक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो जो ये है, ये सारे जो सर्विसेज हैं आपके सामने, IAM की सर्विस है, कैस्पी है, वेब सिक्योरिटी गेटवे है, ईमेल सिक्योरिटी, IDS, IPS, सिम, एनक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जिसको वेफ भी बोलते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डीडॉस प्रोटेक्शन, ये सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, ये सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं। इन कैटेगरीज में आपको बहुत सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। जैसे अगर हम बात करते हैं IAM के सर्विस प्रोवाइडर की, तो आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है आपका एक्टिव डायरेक्टरी है। एक्टिव डायरेक्टरी पहले हम ऑन प्रेम ही यूज किया करते थे, अब एक्टिव डायरेक्टरी अभी आ गया मार्केट में, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड एज्योर AD जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा IAM की बात करेंगे तो IAM में मार्केट में सेल पॉइंट बहुत बड़ा वेंडर है। सेल पॉइंट का पहले ऑन प्रेम आया करता था, सेल पॉइंट आइडेंटिटी IQ के नाम से, अब सेल पॉइंट का क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड बेस्ड भी आ गया, SaaS बेस्ड भी आ गया, जिसको आइडेंटिटी नाउ बोलते हैं,
ठीक है। उसके अलावा कैस भी है, पालो अल्टो का, माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर फॉर क्लाउड है, वेब सिक्योरिटी में फोर्स पॉइंट, वेब सिक्योरिटी हो गया, ईमेल सिक्योरिटी हो गया, इसमें आपको फोर्स पॉइंट मिल जाएगा, बाराकोडा मिल जाएगा, प्रूफ पॉइंट मिल जाएगा, ये सब जो है आपको सिक्योरिटी एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट में सारे सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास उनका खुद का की मैनेजमेंट सर्विस है, जैसे अमेजोन का KMS है, आई थिंक एज्योर का की वोल्ट के नाम से है, ठीक है। उसके अलावा BC and DR भी अब जो आप पहले ऑन प्रेम पर डाला करते थे, ऑन प्रेम में आप लोकेशन पे अपना डेटा सेंटर क्रिएट करके और आप BC DR की सर्विसेज दिया करते थे, वो अब आप कर सकते हैं क्लाउड में भी, ठीक है। तो ये सब ऑफरिंग्स हैं। DDoS प्रोटेक्शन है, DDoS प्रोटेक्शन आज की डेट में बहुत अच्छे ऑफरिंग है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको सबके पास मिल जाएगा। आप क्लाउड फ्लेयर के पास ले जाइए, आप AWS के पास ले जाइए, Azure के पास ले जाइए, सबके पास आपको मिल जाएगा DDoS प्रोटेक्शन, WAF मिल जाएगा आपको इन सबके पास। तो ये सारे ऑफरिंग्स हैं मार्केट में जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एंड यू आर नॉट पेइंग द कैपिटल कॉस्ट, रादर यू आर गोइंग विद द ऑपरेशनल कॉस्ट। तो जो क्लाउड के जो बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, उन बेनिफिट्स को सिक्योरिटी की शक्ल में आपको मिल जाता है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।